हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता कैश किचन में। तो आज हम लेके आए हैं साबुदाना और मूंगफली से स्पेशल रेसिपी व्रत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा चटपटी बनती है बिना मसाले के। तो यहाँ पे हमने ले लिए 1 कटोरी साबुदाना, तो पैन में डाल दिए हैं। इसको हमें भुनाई करना है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिर्ची डाल दी हरी वाली, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर जाएगा। साथ ही हम 1 कटोरी मूंगफली ली है। तो सारे चीज को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो ये इससे क्या होगा ना, मूंगफली भी क्रिस्पी हो जाएगी, साथ ही साबुदाना भी क्रिस्पी हो जाएगी, और मिर्ची जो है ना अच्छे से यहाँ पे भून जाएगी। तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्टी टेस्ट आएगी इसमें। तो बस यहाँ पे देखिए, इस तरीके से भून चुका है, मिर्ची का भी कलर चेंज हो गया है। तो बस इसको ठंडा करके ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया है, मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो मिर्ची को निकाल लीजिएगा साइड में। तो हम यहाँ पे मिर्ची नहीं डाल रहे हैं, मिर्ची को हम अलग से पीसेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पीस के एक बाउल में निकाल के रख ले रहे हैं। अब चलिए हम यहाँ पे एक फिर से मिक्सी जार लिए, इसमें हम डाल देंगे जो हमने मिर्ची भुनी थे ना, भुनी हुई मिर्ची डाल दिए हैं। अदरक डाल देंगे तो छील के धो के लेना है। साथ ही हम यहाँ पे आलू लिए हैं, तो 1 आलू को हमने छील के धो के कट करके ले लिए हैं। तो आप यहाँ पे उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें पीस लेना है बिना पानी डाले। अब यहाँ पे मैं पीस के डायरेक्ट इसे हमने जो साबुदाना और मूंगफली पीस के रखे थे ना, इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डाल के धो के हमने ले लिए। इसको मिक्स कर लेना है एक बार इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सूखा है। यहाँ पे साबुदाना जो है ना बहुत ज्यादा पानी लेगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थोड़ा हल्का सा पतला घोल करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, यानी कि गाढ़ी रखना है लेकिन हल्का सा और पतला कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और इसका हमें थोड़ा सा पतला घोल तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। दिखाते हम, क्योंकि यहाँ पे जो साबुदाना है ना, पानी थोड़ा सा ज्यादा ये सोख लेती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाए ना घोल। तो बस इसको हम क्या करेंगे ना, ढक के 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो 5 से 6 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले से जो है ना काफी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए बस हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले भी कुछ भी नहीं ले रहे हम यहाँ पे। तो काली मिर्च का पाउडर है और सेंधा नमक है। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे, ऐसे बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो नॉर्मल नमक होते हैं ना उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही हम तिल डाल दिए हैं, करी पत्ता ले लिए। आप यहाँ पे हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सारे मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन आप अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो मसाले जो है ना छोटी छोटी पैकेट मार्केट से ले आइएगा, और साफ मसाला रखना है व्रत के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हैं मसाले भी यहाँ पे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका इस तरीके से घोल बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए फटाफट से इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप गाढ़ी घोल रख के थोड़ा मोटी मोटी साइज में बना सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा थोड़ा पतला पसंद है, तो इसलिए हम थोड़ा सा घोल को जो है ना थोड़ा पतला कर लिए हैं। अब पैन में थोड़ा सा हम रिफाइंड तेल डाल दिए हैं। तेल मत डालिएगा, या तो घी या तो रिफाइंड तेल से ही इसको बनाइएगा। वो भी व्रत के लिए बना रहे तो साफ सुथरा तेल लेना है आप यहाँ पे। इसमें हम 2 चम्मच डाल दिए हैं बड़ी चम्मच से घोल, और इसको हम ढक देंगे। तो ढकने के बाद देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक दिए थे। तो ये देखिए पूरे पैन में फैल चुका है, ये पतला हो गया है। और ये देखिए पलट लिए नीचे से, कितना बढ़िया प्यारा सा कलर आया है, एकदम ढोसा की तरह बनते हैं नीचे से क्रिस्पी क्रिस्पी। अब इसको हम पलट लेते हैं। बहुत ही चटपटी नाश्ता हमारा बन के तैयार होता है। अब दोनों तरफ से इस तरीके से पलट पलट करके सेक लीजिए खूब अच्छे से क्रिस्पी करके। अब ये तैयार है, चलिए फटाफट से इस बाकी का भी बना लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म से व्रत के लिए चटपटी बिना मसाले की तैयार है नाश्ता। अभी हमें इस यहाँ पे लस्सी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे दही के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिल से थैंक यू। बाय बाय।